नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल मोबाइल टेक्नोलॉजी गुरु में स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा पार्ट वन का जो सेकेंड लिस्ट आने वाला था, जो कि दोस्तों आज सुबह में प्रभात खबर के माध्यम से एक अपडेट दे दिया गया था कि आज जारी हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों पार्ट वन का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट था वो जारी हो चुका है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं पार्ट वन का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, और दोस्तों मैं मधुबनी का PDF है। और अगर दोस्तों आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट हो या दरभंगा डिस्ट्रिक्ट या बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। तो उसे कैसे डाउनलोड करना है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले आना, और दोस्तों टाइप करना है lnmu.ac, और इसके बाद दोस्तों सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद दोस्तों आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे कि दोस्तों बता दें थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेकेंड प्रीवियस मेरिट लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेट स्लो मेरा चल रहा है। तो जैसे कि दोस्तों ये प्रोसेस हो रहा है, और जैसे कि दोस्तों प्रोसेस हो गया तो आप लोग को बता दें अगर आप लोग बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो यहाँ आपको टाइप करना है और PDF में ड्राइव में सेव कर लेना है। और दोस्तों अगर आप लोग दरभंगा से होंगे तो यहाँ पे टाइप करना है, मधुबनी से होंगे तो यहाँ, और समस्तीपुर होंगे तो यहाँ टाइप करके उसे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं समस्तीपुर का टाइप कर लेता हूँ, और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा तो जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं, तो इसके बाद दोस्तों आपका डाउनलोड होने लगेगा। और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों जैसा ही आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है सो देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको PDF ओपन कर लेना है। और दोस्तों अगर आपको एक बार में PDF में अपना नाम खोजना है तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ सर्च बार में और टाइप करना है फॉर्म नंबर, इंक्वायरी फॉर्म नंबर आपका जो, और जैसे कि दोस्तों बता दें तो आपको यहाँ टाइप कर लेना है अपना इंक्वायरी फॉर्म नंबर ID। तो जो दोस्तों जो आपका इंक्वायरी फॉर्म नंबर ID होगा वो टाइप कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं टाइप कर देता हूँ 190 660। जैसा कि दोस्तों मैं सर्च कर लिया हूँ, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पूरा नाम देख सकते हैं, और पिताजी का नाम और जेनरल मेल फीमेल सभी चीज़ देखते हुए, और दोस्तों यहां देख सकते हैं कि आपका कंफर्म कर लिया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी दोस्तों लोग को मिल सके। तो दोस्तों तब के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।